औरत को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी आवाज़ में लचकाव ना लेके आएँ, यानी आप फ्लैट टोन में बात करें, बहुत प्यार से और मीठे अंदाज में बात ना करें, क्योंकि मसला आपके साथ नहीं है, मसला उसके साथ है जो आपकी बात सुन रहा है। हो सकता है आपकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल एक मतलब नॉर्मल अंदाज में विदाउट एनी इल इंटेंशंस बात कर रही हैं, लेकिन जो दूसरे एंड पे सुन रहा है शायद उसके दिमाग में कुछ और इंप्रेशन आ रहा है, तो उससे रोका जा रहा है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, यानी ये भी नहीं कहा जा रहा कि बदतमीज़ी करो उसके साथ, ये भी नहीं कहा जा रहा कि बदतमीज़ हो जाएँ, रूड हो जाएँ, चीखना शुरू कर दें, ये भी नहीं कहा जा रहा, और ये भी नहीं कहा जा रहा कि आवाज़ को बहुत सॉफ्ट कर दें, बल्कि एक बीच की रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत है वो बाज़ार जाती है, उसने वहाँ से कुछ कपड़े ख़रीदने, तो अब वो दुकानदार से कहती है कि भाई साहब ये सूट कितने का है? वो कहते हैं जी ये 4,000 का सूट है। ये वाला कितने का है? ये 5,500 का है। अच्छा, ऐसा करें ये पैक कर दें, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो जाके कहती है कि अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कैसे हैं आप, तो उसको लग, तो हो सकता है आपकी इंटेंशन ठीक होगी। अल्लाह ताला औरत को ब्लेम नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि वो जो मर्द है ना, वो आपकी इस बात का गलत मतलब ले सकता है। तो इसलिए कहा कि आप अपनी स्पीच को ज़रा नॉर्मल रखें, ताकि जिसके दिल में कजी है, टेढ़पन है, वो गलत इसका इसकी इंटरप्रिटेशन ना करे।